नमस्कार दोस्तों, मैं यूके निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्लास टेंथ और ट्वेल्व का जो 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें निबंध कौन कौन सा भी आई है। तो मैं यहां पे 10 निबंधों का सीरीज लाऊंगा, जिसमें से 4 मैं पहले डिस्कस करता हूँ, फिर 6 जो बच जाएगा उसका मैं तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। और हाँ, आपको यह निबंध कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक करें, अगर आपको ना पसंद है तो डिसलाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला निबंध है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। देखिए, विज्ञान पे कोई भी टॉपिक पे अगर विज्ञान टॉपिक मिल जाएगा आपको, तो विज्ञान टॉपिक पर अगर आपको निबंध लिखना है ना, तो कोई कैसा भी निबंध रहे विज्ञान आप देखिए ना, तो बस इस निबंध को लिख दीजिए आप। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान से कैसे बन रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट बनाते हैं ना तो अच्छा नंबर मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सभी निबंध को पॉइंट बाय पॉइंट ही डील करेंगे। तो आप इसको लिखे ही नहीं, इसके सभी चीज़ को समझते भी जाइए। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लिख लिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो हम समझाएंगे बीच बीच में वो समझ विकसित नहीं होगा, और समझ विकसित नहीं होने का कारण क्या होगा, आपको सिर्फ रटना पड़ेगा। और देखिए, रटा हुआ चीज़ में क्या होता है, एक भी लाइन भूल जाइएगा तो फिर अगला लाइन तो आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, इसको लिखिए भी रटिए भी, मगर समझ लीजिए पहले। समझने से क्या होगा, और समझने के बाद 2-4 लाइन और भी लिखिए इसमें, ऐसा नहीं कितने पे छोड़ दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर टॉपिक है, हम लोग भूमिका लिखेंगे। भूमिका में कैसे लिखेंगे, पहला नंबर टॉपिक है भूमिका। विज्ञान शक्ति का अद्भुत रूप है, इसके नित प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। विज्ञान क्या है, एक शक्ति का रूप है। विज्ञान की सहायता से हम लोग शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, एक्चुअली विज्ञान शक्ति ही है। इसमें नित प्रतिदिन आविष्कार होते जा रहे हैं। आज देखिए, कल एक समय था कि तार लगा हुआ टेलीफोन था, आज उसमें आविष्कार होकर क्या आ गया, मोबाइल आ गया। एक समय था कि हम लोग बैलगाड़ी पे, हमारे दादा बाबा बैलगाड़ी पे सफ़र किया करते थे, आज हम लोग ट्रेन, रेलवे गाड़ी, यहाँ तक कि वायुयान मार्ग से भी हम लोग सफ़र करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, नित प्रतिदिन आविष्कार होते जा रहे हैं। यह जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी भी बन सकती है। देखिए, विज्ञान अच्छा भी है, अच्छा से अच्छा भी है, और बुरा से बुरा भी है। अगर मानव इसका उपयोग जन कल्याण के लिए करे तो यह वरदान साबित होता है, और इसी का उपयोग अगर मानव समुदाय को हानि पहुंचाने के लिए करे तो जान लीजिए, ये हानि पहुंचाने के लिए करेगा तो यह काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, यह अभिशाप बन सकता है। देखिए, विज्ञान का उपयोग करने को निर्भर करता है। जैसे अगर हमारे पास चाकू हैं, तो चाकू का उपयोग हम सब्जी काटने के लिए करते हैं या दातून काटने के लिए करते हैं, तो क्या है, वरदान साबित हुआ, क्योंकि लकड़ी को तो ऐसे नहीं काट सकते हम ना, दातून को, परंतु उसी को अगर हम क्या करते हैं, किसी का गला काटते हैं, किसी का हाथ काटते हैं, तो क्या अभिशाप बन गया। तो चाकू एक्चुअली क्या है, चाकू तो चाकू है, और उसको उपयोग करने के ऊपर निर्भर करता है कि उसका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और भी चीज़ देखिए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल पे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या मोबाइल पे हम लोग गाना नहीं सुन सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। बहुत बच्चा बैठने बैठेंगे पढ़ने के लिए, अब गाना सुनने लगेंगे, तो क्या उसके लिए वो वरदान अभिशाप साबित हो गया। उसी में अगर हम YouTube चैनल पे, बहुत सारा चैनल है उस पर अगर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ सब सीखते हैं, कुछ नया नया चीज़ सीखते हैं, तो क्या ये हमारे लिए वरदान साबित हो गया। इसी प्रकार से विज्ञान में जितने भी आविष्कार हैं सब जो है ना, कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण भी है, तो कहीं कहीं विनाश भी कर देता है। तो ये उपयोग करने के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, तो है विज्ञान का महत्व। विज्ञान का क्या महत्व है, देखिए, विज्ञान के बिना मानवीय विकास अपूर्ण है। किसी भी मानव का विकास बिना विज्ञान के नहीं हो सकता है, विज्ञान वहाँ पर लाना अति आवश्यक है। विज्ञान मानव समुदाय का सच्चा साथी है, क्योंकि यह मानव समुदाय के जीवन को सुखी और संपन्न के साथ साथ विकसित बनाता है। मतलब कि विज्ञान ही तो है जिसकी सहायता से आज हम संपन्न हो चुके हैं, सुखी हो चुके हैं। अगर विज्ञान नहीं होता है तो ज़रा सोचिए क्या होता, हम लोग अभी भी वृक्षों का छाल पहन रहे होते हैं, जानवरों की छाल पहन रहे होते हैं। विज्ञान से हम लोग नए नए कपड़ों का डिजाइनिंग कपड़ा बना लिए, तरह तरह के घर बना लिए, यातायात के साधन बना लिए, बिजली है, पानी है, कितनी सुविधाएं हो चुकी हैं, सड़क है, परंतु क्या ये पहले था, नहीं, ये संपन्न हो रहा है और साथ साथ विकसित भी हो रहा है। परंतु विज्ञान जितनी सहायता करता है ना मनुष्य को, उतना ही ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। देखिए, जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, परंतु जीवन को नरक बनाने में भी इसका भूमिका होता है। अभी देखिए, फिलहाल में कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया, और देखिए ये विज्ञान का ही ना आविष्कार है, क्या कर दिया, पूरे मानव समुदाय को निगलने के लिए तैयार हो चुका है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो विज्ञान का आविष्कार है ये लाभदायक भी है यानी वरदान भी है और हानिकारक भी है। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे, विज्ञान के लाभ। क्या विज्ञान के लाभ होते हैं? हाँ बिल्कुल, विज्ञान के लाभ भी होते हैं। कौन कौन से लाभ हैं? तो वर्तमान युग में विज्ञान के कई लाभ मिलते हैं हमको विज्ञान से। विज्ञान के बिना जीवन अपूर्ण सा बन गया है। विज्ञान के अद्भुत चमत्कार असंभव क्रिया को भी संभव बना डाला है। वह विज्ञान ही तो है जिसकी सहायता से आज अंधे भी देख पाते हैं, बहरे भी सुन पाते हैं, गूंगे भी बोल पाते हैं, लंगड़े भी चल पाते हैं। ये विभिन्न आविष्कारों की सहायता से तो हो गया है ना। ये विज्ञान ही तो है जो आज इतनी क्षमताओं को विकसित कर रहा है। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब क्या है, मनुष्य के जीवन शैली को काफ़ी हद तक प्रभावित कर दिया है। देखिए, समय था जब हम रेडियो पर एंटरटेन करते थे, गाना सुनने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे हमारे पूर्वज, हमारे भैया, हमारे पापा। परंतु आज क्या है, आज हम यूट्यूब की मदद से या विभिन्न तरह के हम लोग इंटरनेट की मदद से क्या करते हैं, जो गाना होता है बस उसको बोलने भर की देरी है, गाना उपस्थित हो जाता है। ये सब क्या हुआ, नए नए आविष्कार हो गए। टेलीविज़न में क्या हो गया, देखने और सुनने दोनों का सुविधा प्रदान किया। इंटरनेट तो हर सुविधाओं का मैंने हद पार कर दिया। कंप्यूटर मनुष्य के जीवन शैली को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। कंप्यूटर युग में क्या होता है, जो दिनों प्रतिदिन महीनों का काम है वो घंटों में मिनटों में हो जाता है, घंटों का कैलकुलेशन सेकेंडों में हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है, जीवन शैली को काफ़ी प्रभावित कर दिया है। आज हमारा जीवन शैली बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ चुकी है और बहुत तेज हो चुकी है। जीवन शैली को अधिक से अधिक विकसित भी किया है। रेलगाड़ी, वायुयान, बस, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि के आविष्कारों ने मनुष्य की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया है। आज मनुष्य का रफ्तार इतना तेज हो गया है कि रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। देखिए, आज महानगरों में मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी सुविधाएं हो चुकी हैं। मेट्रो तो मेट्रो और बुलेट ट्रेन चल रही है जो बुलेट के स्पीड से चलती है। आप सोच सकते हैं 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बन चुकी है। और ये समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ होगी, कितनी तेज़ रफ्तार होगी, मतलब आदमी उसको देख भी नहीं पाएगा कि ट्रेन चल रही है बगल से, इतना तेज़ ट्रेन चल रही है, समझ रहे हैं। तो ये सब विज्ञान के कारण ही हुआ है। देखिए, जैसी सुविधाओं के कारण अब क्या रहा, लोग अधिक से अधिक दूरियां कम से कम समय में तो तय कर लेते हैं। ये सभी विज्ञान का ही तो प्रभाव है। आज पूरा दुनिया को हम लोग भ्रमण कर सकते हैं, पूरा दुनिया में घूम सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, तो हम लोग हेल्प कर इसके वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ, यानी विज्ञान की सहायता से आज हम पूरी दुनिया को भ्रमण कर सकते हैं। ये आसान बात हो चुका है। एक समय था कि दुनिया को भ्रमण करने के लिए मैगलन को भी बहुत कठिनाई सामना करना पड़ा था। वास्को डिगामा को भी भारत की खोज करने में हालत खराब हो गया था। कोलंबस को अमेरिका की खोज करने में भी हालत खराब हो गया था। परंतु देखिए, वैज्ञानिक आविष्कारों ने क्या किया, वैज्ञानिक आविष्कारों ने ये भौतिक दूरियों को समेट कर छोटा कर दिया। आज पूरे पृथ्वी हमारा एक छोटा सा घर बन चुकी है, जहाँ पे लंदन, अफ्रीका, अमेरिका, एक ही दिन में हम लोग लंदन जा सकते हैं, एक ही दिन में वापस आ सकते हैं। ये क्या है भाई, आज दुनिया में दूरियाँ इतनी कम चुकी है कि पूछिए मत। लोग डिनर जो है ना इंडिया में करता है, और रात का जो है ना, रात का जो आज दुनिया में क्या करता है, ब्रेकफास्ट लोग इंडिया में करता है, और लंच जो है ना अमेरिका में करता है, और डिनर रात को इंग्लैंड में करता है। ये क्या हो रहा है, विज्ञान के तो कारण ही हुआ ना। अब देखिए, विज्ञान से क्या हानियाँ होती है, विज्ञान से एक और लाभ मिल रहा है तो हानियाँ भी मिल रही है। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार है, क्या हो रहा है, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, तरह तरह की परेशानियाँ हो रही है, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है, आप देख रहे हैं इसे। तो ये सब क्या है, इस सबसे ये होता है क्या कि बीमारियाँ जो आज कोरोना वायरस से लोग मर रहा है, ये किसका आविष्कार है, ये विज्ञान का ही आविष्कार है ना। अब विज्ञान ही इसको बचा सकता है। देखिए, विज्ञान में इसको खोज चल रहा है, इसका वैक्सीन निकलेगा तो भी जाके इलाज हो पाएगा। अभी लॉकडाउन टूटा है, परंतु लॉकडाउन टूटा है सिर्फ राजनीतिकरण के लिए, न तो इसके लोगों के भलाई के लिए। लोगों का इसमें कहीं भी भलाई नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी थर्ड स्टेज में चल रहा है इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा विज्ञान हानि पहुँचा सकता है। एक विज्ञान किसी व्यक्ति को या मानव समुदाय को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, इसे आप देख चुके हैं कोरोना वायरस में, कि कैसे लोगों को पंगू बना के घर पर बैठा दिया ये। देखिए, विज्ञान एक और विज्ञान से लाभ देखने को मिलता है तो दूसरी ओर हानियां भी हैं। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे प्रलयकारी हथियार, विस्फोटक पदार्थ, मिसाइल, बम, गोला बारूद इत्यादि, ये सब क्या है, मनुष्यों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। आज मनुष्य स्वयं खतरे में जी रहा है, स्वयं अपने बनाए हुए मशीनों से, अपने बनाए हुए हथियारों से उनको डरना पड़ रहा है। परमाणु बम का प्रभाव तो इतना अधिक है कि मनुष्य उसके सामने क्या हो चुका है, तुच्छ प्राणी साबित हो रहा है, कुछ नहीं है। पूरी मानव जाति को निगलने के लिए परमाणु बम काफ़ी सजग है, परमाणु बम काफ़ी, उससे परमाणु बम पूर्ण रूप से सक्षम है पूरे मानव जाति को तबाह करने के लिए।
आप समझ सकते हैं, पूरे मानव जाति को चुटकियों में समाप्त कर सकता है यह परमाणु बम, इतना ज़्यादा शक्तिशाली यह परमाणु बम होता है। इसका परिणाम आप देख चुके हैं, अमेरिका जब जापान के हिरोशिमा नगर पे और नागासाकी नगर पे जब बम गिराया था तो वहाँ के बच्चे अभी भी लूला लंगड़ा पैदा ले रहे हैं। क्या कारण है? लूला लंगड़ा पैदा लेने का कारण है परमाणु बम। और ये समझ लीजिए 7 नस्ल तबाह कर देती है ये परमाणु बम, इतने घातक होते हैं कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, परिकल्पना नहीं कर सकते, इतने घातक हो सकते हैं ये। आज लोग अभी एक देश जो है दूसरे देश को क्या देता है, परमाणु बम की धमकी देते हैं। इस प्रकार का युद्ध जो है ना पूरे विश्व को समाप्त करने में सक्षम है। नए नए उपकरणों एवं आविष्कारों से अधिक क्या हो सकता है उपयोग करने से पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण सही ढंग से संतुलित नहीं हो पा रहा है, असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अब देखिए लगातार डीजल और पेट्रोल जनित जो है हम लोग वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, इस मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, और जानते हैं उससे निकलने वाले हानिकारक गैस क्या करते हैं, उससे निकलने वाले हानिकारक गैस क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर देते हैं, हमारे पर्यावरण को नाशनाधू पूर्ण रूप से मिटा देते हैं, पूरा उसका पर्यावरण में जितनी संतुलन है सबको बिगाड़ देते हैं ये। देखिए पेट्रोल चलित वाहन होते हैं ना, उससे निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ऑक्साइड SO, और ये सारे गैस जो है जो नाम बता रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है, NO3 बनता है, ये सब गैस क्या है, हानिकारक गैस है। और ये सभी गैस जो है ना पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। आप जान भी करते हैं वायु प्रदूषण होगा तो क्या होगा, वायु प्रदूषण ये जो NO2 है, CO है, CO2 है, ये पर्यावरण में वैसे मौजूद हो जाएगा वायुमंडल में, तो जो बारिश हो गया तो उसके जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, जानते हैं ना, ये सब बना लेता है हानिकारक एसिड, बनाता है एसिड, अम्लीय अम्लीय वर्षा हो जाएगा। मतलब कि ये NO2 SO2 वायु के साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर, सॉरी ये जल के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, एसिड बनाएंगे। और ये जो बारिश बरसाएगा, वर्षा बरसेगा, ये वर्षा नहीं होगा, ये तेजाब की तरह लगने वाला अम्ल होगा जो शरीर को जला देगा। देखते नहीं है बारिश के पानी जब पहले बार बारिश होती है तो क्या होता है, हमारा शरीर में जलन जहाँ जहाँ कटल रहेगा छिल रहेगा सब जलन महसूस होता है। जलन महसूस क्यों होता है, क्योंकि वर्षा अम्लीय हो चुकी है। अम्लीय वर्षा कैसे क्या होगा, वायु प्रदूषण तो पहले हो चुका है जिससे अम्लीय वर्षा हो रहा है, और उससे होगा जल प्रदूषण, जल प्रदूषण होगा, और जल प्रदूषण होगा तो जानबे करते हैं मृदा भी प्रदूषित हो जाएगा। अब मृदा प्रदूषण माने वायु प्रदूषण से जल प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण से मृदा प्रदूषण होगा। अब प्रदूषण कितना हानिकारक है आप समझ सकते हैं, प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ पहुँचती है, इसको भी हम लोग प्रदूषण वाला चैप्टर में देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण, देखिए ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। आज क्या हो रहा है, बड़े बड़े लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, मिसाइल्स लगे जाते हैं, क्या करते हैं अभी जो फुटकर व्यापारी बेचने आते हैं घर में वो भी नए नए आवाज़ शोरगुल करते हैं। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, अवांछित ध्वनि को नहीं ना ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, हमारे पर्यावरण में वैसे ध्वनि जो अवांछित होते हैं, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे दबाव उत्पन्न करता है, वो सब क्या है ध्वनि, ये सभी ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। देखिए अब इसकी हानि और क्या है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आज टेम्परेचर इतना हाई हो गया है पूरे दुनिया का कि लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। पहले के लोग तो बचे नहीं हैं, जो कुछ बचे लोग हैं वो कहते हैं कि बाप रे इतना गर्मी कहाँ पड़ता था पहले जी, इतना गर्मी का सामना हम लोग कभी करवे नहीं किए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी ताप पड़ती है। अब बताइए इतना ज़्यादा गर्मी वो लोग देखे नहीं हैं, ऐसा गर्मी पड़ रहा है, समझ रहे हैं। आज चारों ओर देखिए हरित गृह प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी हाई होते जा रहा है। और देखिए ग्रीन इफेक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेट के उपयोग से मनुष्य की मानसिक शक्ति का भी क्षय हो रहा है। देखिए लगातार इंटरनेट का उपयोग करने से, अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं ठीक है, मगर लगातार इसी को आप देखते रहिएगा बराबर, तो आपकी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, मजबूत होने की जगह पर कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए अत्यधिक उपयोग ना करें इसका उपयोग, 2 से 3 घंटा देख लिए बहुत ज़्यादा हो गया प्रतिदिन, क्योंकि आँखों को इसके रेडिएशन से काफ़ी खतरनाक, मस्तिष्क को भी प्रभाव पड़ता है और आँखों को प्रभाव तो पड़ता ही है, डिस्प्ले से, डिस्प्ले की जो रोशनी होती है उससे आँखों को प्रभाव पड़ता है, और जो इससे निकलने वाले रेडिएशन है वो हमारे स्किन और मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं ना उसको भी इनएक्टिव करने में काम करते हैं, मतलब मस्तिष्क के सेल को भी खराब कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसकी ज़्यादा दूरी बनाकर ही रखें, ज़्यादा इसका दुरुपयोग ना करें, मोबाइल का उपयोग करें, है ना। विज्ञान में बताए किए हैं कि विज्ञान जितना अच्छा आपको लाभ पहुँचा सकता है उतनी ज़्यादा हानि भी पहुँचा सकता है अगर इसका दुरुपयोग कीजिएगा तो।
हम लोग बात करते हैं पर्यावरण में उपस्थित पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज इंटरनेट से क्या हो रहा है, इंटरनेट के जो रेडिएशन निकलता है उससे कितने पशु पक्षी घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, पता है कितने पक्षियों की प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं, नहीं रही वो। और ये प्रजातियां समाप्त होने का मतलब है क्या, पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होना। पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा ना तो जानते हैं क्या होगा, चारों ओर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगा, आहार श्रृंखला बिगड़ जाएगा, पूरे परितंत्र का जो है सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है ना पूरा बेकार हो जाएगा और हम लोग हो जाएंगे प्रदूषित और बीमार। तरह तरह का वायरस निकला है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस से भी खतरनाक खतरनाक वायरस निकल जाएगा, समझ गए, अगर पर्यावरण को असंतुलित हो गया तो। पर्यावरण को में संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है, इसका अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा और जनसंख्या पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा। अगर इसी तरह से जनसंख्या फैलता रहा ना तो आने वाले समय में सिर्फ वायरस ही वायरस होगा, कोरोना तो छोटा सा वायरस हो गया समझ, उसके सामने उससे भी खतरनाक खतरनाक वायरस आने के लिए तैयार रहे, उसका भी सामना करना पड़ सकता है मनुष्य को। हम लोग बात करते हैं उपसंहार। हम कोई भी ऐसे लिखेंगे निबंध ना तो लास्ट में उपसंहार मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकाले आप, क्या फाइनली आप सोचे, फाइनल डिसीजन आपका क्या है, इसमें वो राय लिखिए, अपना राय विचार लिखिए कि आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आपकी क्या अपना व्यक्तिगत राय है, उसको लिखिए उपसंहार में। देखिए वास्तव में विज्ञान वरदान है कि अभिश्राप, यह उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। देखिए बोले ना ये मोबाइल है, मोबाइल का उपयोग आप किस रूप में कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कर रहे हैं, मूवी देखने के लिए कर रहे हैं, टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, स्नैप ट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप, कितना समय किस पे लगा रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। इसी पर अगर हम घंटों स्नैप ट्यूब पे वीडियो बनाएंगे तो क्या वो सही रहेगा, नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है, वो उन लोगों के लिए सही है जो लोग इसमें फेमस होना चाहते हैं। हम लोग का इस फील्ड अलग है, हम लोग का एजुकेशनल फील्ड है तो हम लोग इस पर पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है, एजुकेशनल चैनल, उसको देखेंगे हम लोग, उस सबको देखने से हमको क्या लाभ मिलेगा, तो ये बात है। यहाँ पर हम लोग को टैलेंट इसमें दिखाना है ना। अब उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है, उपयोगकर्ता इसके जिस रूप में उपयोग करेगा ना उसी के आधार पर इसका उपयोग होगा। वरदान है या अभिशाप कह सकते हैं, अब वरदानों है अभिशाप दोनों है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि विज्ञान कहा जाता है, क्या कहा जाता है विज्ञान के बारे में, विज्ञान एक अच्छा सेवक है। विज्ञान क्या है, एक अच्छा सेवक है, आपका नौकर है, सर्वेंट है, जैसा कहिएगा वैसे करेगा। आप पंखा को कहिएगा ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, परंतु एक बुरा हथियार है, परंतु उसी पंखा के स्विच में अगर करंट आ जाएगा तो बाप बाप चलाइएगा, चूहा के जैसा बाल हो जाएगा आपका, पूरा खून चूस लेगा करंट से आपका, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका सेवक भी है, आप उसको कहें मोटर ऑन कर दिए, पानी फटाफट निकल गया, पानी पी लिए, बताइए पानी निकाल दिया तुरंत, आपको चापाकल भी नहीं चलाना पड़ा, बस बटन टिपे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। परंतु ज़्यादा कल्पना कीजिए अगर उसी करंट आपको लग जाए तो क्या हाल होगा, आपका बुरा हथियार भी बन जाएगा, आपका जान भी ले सकता है मोटर का तार, समझ सकते हैं। तो कितना ज़्यादा इस सेवक बन रहा है, कितना बड़का मालिक बन रहा है, समझ में आ रहा है। अतः वरदान साबित करने के लिए मनुष्य को इसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना पड़िए। अगर आप चाहते हैं कि वरदान साबित हो तो इसके लिए सबसे अच्छा काम क्या है कि इसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कीजिए, सही ढंग से उपयोग कीजिए, ताकि इसमें कोई हानि रहे ही नहीं, तभी नहीं जाके इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, तो अगला हम लोग निबंध देखेंगे कि हमारा प्रिय कवि कौन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा प्रिय कवि या लेखक, तो इसको हम अगला वीडियो में अपलोड कर देते हैं। इसी प्रकार से चार वीडियो हम तुरंत अपलोड करेंगे, छह वीडियो आपको कुछ इसके लिए कुछ समय कुछ आपको समय लेंगे हम, क्योंकि ये वन बाई वन करके हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। हाँ एक बात और जरूर मेरे मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई राय या सुझाव हो तो अवश्य दीजिए। और हाँ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि और लोग भी और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और हाँ आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।